अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी वर्डप्रेस कोर्स की फोर्थ वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि वेबसाइट के अंदर कोर्स को किस तरह क्रिएट किया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ जाना है। इसके बाद हमने पोस्ट पर क्लिक करना है और ऑल पोस्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा, तो हमने ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस शो हो जाएगा। इसमें हम अब पोस्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। तो हम एक डमी डाटा ले लेते हैं, तो मैंने एक कीवर्ड लिया हुआ है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। तो हम टाइटल को पेस्ट करते हैं इधर, तो ये अब हमारा एक टाइटल बन गया है। और इसके बाद हम एक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, तो आपने प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और आपने पैराग्राफ पर क्लिक करना हो तो आपके पास डिस्क्रिप्शन वाला टेबल शो हो जाएगा। तो आपने सिंपली कुछ डिस्क्रिप्शन ले लेनी है, को भी पेस्ट कर देना है। तो आप इसके बाद पोस्ट में आप प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और अब हम इसमें एक इमेज को क्रिएट करना सीखेंगे। इमेज पर क्लिक करेंगे तो हम अपलोड इमेज करेंगे। हम भाव अपने पीसी में से एक पिक्चर को ले लेते हैं, तो हम सिंपली इसी को ले लेते हैं। तो अब हमारे पास एक पिक्चर शो हो जाएगी। अब हम इसको अपनी मर्जी से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसी को मैं पोस्ट के हिसाब से लेता हूँ। अब हम इसके बाद थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। तो हम पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे, और अब हम इसके बाद एक हेडिंग को ऐड करेंगे। पोस्ट के अंदर सबसे पहले हमारा एक टाइटल होता है जो आपके सामने ये शो हो रहा है, और उसके बाद हमारी होती है डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हमारी ये कंटेंट की इमेज है। ये हमारी ओनली कंटेंट की इमेज है, और हम इसके बाद एक न्यू इमेज भी लगती है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो जिसको हम थंबनेल भी कहते हैं, और वर्डप्रेस के अंदर हम इसको कहते हैं फीचर्ड इमेज। तो हम इधर एक हेडिंग ले लेते हैं, सबसे पहली हेडिंग आपने H2 लेनी है। उसके बाद आपने वही सिंपली मेथड यूज करना है कि आपने एक डिस्क्रिप्शन लेनी है। फिर आपने डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देना है, तो आप अपनी मर्जी से इस तरह का डाटा क्रिएट करते रहना है। अगर आप अपनी पिक्चर के अंदर एक कैप्शन को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि ऐड कैप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी कैप्शन के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा कैप्शन भी ऐड हो गया है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले हमने जाना है पोस्ट में। पोस्ट में जाने के बाद अब हम इधर एक पिक्चर इमेज को यूज़ करते हैं। ये जो पिक्चर है ये हमारी कंटेंट की
पिक्चर है। तो हम एक फीचर्ड इमेज को भी यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हम इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश होने के बाद ये हमारा कंटेंट पोस्ट जो है वो हमारी वेबसाइट पर शो होने लग जाएगी। तो अब हमारी पोस्ट पब्लिश हो गई। हम चेक कर लेते हैं इसको। तो हम इसको रिफ्रेश करना है पेज को। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पोस्ट जो है वो शो हो रही है। एड मोड पर क्लिक करेंगे। तो हमारी पोस्ट शो होने लगी है। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ कि आप एक शॉर्ट लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि कोई भी आपकी वेब पोस्ट पर आए और क्लिक करे तो सारी पोस्ट को रीड कर सकता है। तो आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है अपने शॉर्ट लिंक को। तो आपने एक्सेप्ट में जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये आपका शॉर्ट लिंक बन जाएगा। मैं आपको और चेक करवा देता हूँ। ये हमारी पोस्ट पब्लिश हो गई है। हम चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो। वही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारी पोस्ट में देख रहेगा। अब ये हमें अपनी पोस्ट के अंदर ले गया है। आप इसको रीड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम फीचर्ड इमेज को किस तरह ऐड करेंगे। तो हम अपने पोस्ट पर क्लिक करेंगे। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद अब इधर फीचर्ड इमेज का ऑप्शन शो हो रहा है। आपने सिंपली फीचर्ड इमेज पर क्लिक करना है और सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक कर दो। तो सिलेक्ट फाइल कर लेनी है आप लोगों ने। तो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये हम इसको हमने सेट फीचर्ड इमेज कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास फीचर्ड इमेज शो हो रही है। हम इसको अपडेट करते हैं। हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देखना इधर हमारी एक फीचर्ड इमेज शो होने लग जाएगी। आप देख सकते हैं अब हमारी फीचर्ड इमेज शो हो रही है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कमेंट्स को हम किस तरह इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं पोस्ट के अंदर। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि इसको पब्लिश करने का तरीका भी चेक कर लेते हैं। अगर तो आपने आपकी पोस्ट रेडी है तो आप अभी पब्लिश इसको कर सकते हैं, वरना इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। आप पब्लिश पर क्लिक करने के बाद इसको इधर से सिंपली इसका टाइम टूल भी सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।